ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के दिन WWE के इंडियन फैंस और WWE के लिए काफी खास है, क्योंकि आज न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में WWE का होने वाला एक लाइव इवेंट, जहां बहुत सारे धमाकेदार मैचेस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उन सभी मैचेस और इसके साथ साथ इन मैचेस से पहले क्या कुछ इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं WWE के इस इंडिया टूर में होने वाले मैचेस और उनके प्रेडिक्शन से। वैसे लाइव इवेंट के प्रेडिक्शन करना हलवा खाने जितना आसान होता है, क्योंकि ज्यादातर यहां पर हमें फेस सुपरस्टार फेस टीम की जीत होती भी दिखती है। अगर कभी फेस टीम में सुपरस्टार नहीं जीती तो उसका रीजन होता है WWE का लाइव इवेंट में टाइटल चेंज ना कराना। तो पहला मैच हमें देखने को मिलेगा टाइटस ओनिल अपोलो क्रूज वर्सेस ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन के बीच। जीत यहां पर टाइटस ओनिल एंड अपोलो क्रूज की ही होगी। अगला मैच हमें देखने को मिलेगा जीत रामा एंड किशन रफ्तार वर्सेज मिस चुरास के बीच। ऑब्वियस सी बात है, जीत रामा एंड किशन रफ्तार इंडियन है, तो यहां पर जीत रामा और किशन रफ्तार की ही होगी। अगला मैच देखने को मिलेगा जेसन जॉर्डन वर्सेज अलायस के बीच। जीत यहां पर जेसन जॉर्डन की होगी। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एलेक्सा ब्लिस वर्सेस साशा बैंक्स के बीच। जीत यहां पर एलेक्सा ब्लिस की होगी और अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए एंजो अमोरे वर्सेस कलिस्टो के बीच। जीत यहां पर एंजो अमोरे की होगी इस बार भी। नेक्स्ट मैच फिन बैलर वर्सेस ब्रे वायट के बीच। जीत यहां पर फिन बैलर की होगी। नेक्स्ट मैच मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर यानी कि केन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच। अब इस मैच के नतीजे कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। शायद हो सकता है इस मैच का कोई नतीजा ही ना निकले, या फिर हो सकता है यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन से ब्रॉन स्ट्रोमैन की जीत हो। अगला मैच जिसके लिए आप में से काफी सारे लोग एक्साइटेड होंगे, जो कि है द शील्ड वर्सेज समोआ जो एंड द बार के बीच। जीत यहां पर होगी द शील्ड टीम की, जैसे कि आप सभी लोग भी जानते होंगे। अब आता है शो का मेन इवेंट मैच ट्रिपल एच वर्सेज जिंदर महल के बीच। अब इस मैच में देखा जाए तो फैंस दोनों ही सुपरस्टार के काफी ज्यादा हैं। जिंदर महल को भी इंडिया में लोग पसंद करते हैं, इसके साथ साथ ट्रिपल एच एक लेजेंड है, तो उनके फैंस तो काफी पुराने हैं WWE में। अब ऐसे में इस मैच में जीतेगा कौन? तो मेरे हिसाब से यहां पर जीतेंगे जिंदर महल, क्योंकि वो इंडियन है और WWE अगर इंडिया में अपने को प्रमोट करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि इस मैच में जिंदर महल की जीत। और ट्रिपल एच को हम पहले भी देख चुके हैं, वो कई बार अपनी बलि देते हुए हमें रिंग में दिखाई दिए हैं। तो ये बात तो हो गई इंडिया में होने वाले मैचेस की। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों की जो WWE के शो से पहले हुई हैं। तो कुछ सुपरस्टार इंक्लूडिंग जिंदर महल, एलेक्सा ब्लिस एंड साशा बैंक्स पहले ही इंडिया पहुंच चुकी थी यानी न्यू दिल्ली, और यहां पर आकर उन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिंदर महल ने अपने एक स्पेशल सूट डिजाइन किया है, जिसे वो ट्रिपल एच के साथ जब मैच लड़ने आएंगे तो अपनी एंट्रेंस पर पहनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी फोटोज में आप देख सकते हैं, यहां पर साशा बैंक्स हमें साड़ी में दिखाई दे रही है, जिन्होंने इंडिया में आकर इंडियन कल्चर को ट्राई किया। इसके साथ साथ साशा बैंक्स ने एक मीटिंग करी कविता देवी के साथ, जहां पर उनके बीच काफी अच्छी खासी बातचीत हुई। और इस फोटो में आप एलेक्सा ब्लिस को देख सकते हैं, वो सिंह ब्रदर्स के साथ हमें पंजाबी स्टाइल में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। तो जो भी सुपरस्टार इंडिया आए, उन्होंने शो से पहले काफी मजा उठाया है, वो हर जगह घूम कर आए। जो इंडिया में घूमने जैसी जगह आप फोटोज में देख सकते हैं, ये सुपरस्टार अलग अलग जगह इवन स्ट्रीट में जाकर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अब इंतजार है तो कुछ घंटों का, जिसके बाद हमें ये सुपर शो देखने को मिलेगा, जहां हमें कुछ धमाकेदार मैचेस देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये थी इंडिया टूर से जुड़ी आप सभी के लिए एक अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताने कि WWE के सुपरस्टार को इंडिया में इस तरह से देखना आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।